हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही सलामत होंगे। अगर आप भी एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन या जियो का 2G, 3G या 4G सिम इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने जो है 5G मोबाइल खरीद रखा है और आपके दोस्त जो है 5G मोबाइल का इस्तेमाल करके 5G नेट का यूज कर रहे हैं, तो आपके मन में भी डाउट हो रहा होगा कि हमारा जो सिम जो है 5G नहीं है, उसको 5G में कन्वर्ट कैसे करा ले। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि दोस्तों आपका 2G, 3G, 4G सिम है, उसको 5G में इजी प्रोसेस में कंप्लीट कैसे करा सकते हैं। पहले दोस्तों ऑल इन वन सिम इस प्रकार का मिलता था और वहां पे जो अगर एयरटेल का सिम आपका 2G, 3G, 4G है, तो आप जो है मैसेज में जाकर 1 to 1 पे जो है आप सिम कैपिटल में लिख कर स्पेस देके सिम का लास्ट का 20 या 22 डिजिट लिख के आप जो है कंपनी को भेज देते थे और वो रिप्लाई कर देते थे 1 टिप कर, तो आपका जो है सिम 4G में कन्वर्ट हो जाता था। पर यहाँ पे दोस्तों अब ऐसा सिस्टम जो है नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आपको रिटेलर के पास जाना है, जो भी जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया का रिटेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके पास जाना है और आपको कहना है कि हमारा सिम जो है 2G, 3G, 4G है, उसको 5G में कन्वर्ट कर दीजिए। तो वो जो हो आपको सिर्फ ऑल इन वन सिम देंगे। और अगर दोस्तों यहाँ पे आपके नाम से सिम है, तब जाके उसी समय आपका सिम जो है कन्वर्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके नाम से सिम नहीं हुआ, आपके रिलेटिव के नाम से हुआ, तो उनको लेकर आना पड़ेगा, उनका फिंगरप्रिंट या जो है फेस स्कैन होगा, तब जाके आपका सिम जो है 5G में कन्वर्ट हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जो है 3 घंटे में आपका सिम जो है चालू हो जाएगा। अगर दोस्तों चालू हो जाता है, तो यहाँ पे जो है मैसेज का जो है इनकमिंग आउटगोइंग है, आपको 24 घंटे के लिए बंद रहेगा, पर जो है आप नेट या कॉलिंग जो है कर सकते हैं। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगे और आपको सिम को कन्वर्ट करने में आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।